हमारी नई रेसिपीज को जानने के लिए सब्सक्राइब करें श्रुतिकास किचन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिकास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बर्थडे और एनिवर्सरीज पे बनाने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेके आई है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चॉकलेट केक चाहिए, जिसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये मेरा चॉकलेट केक है मेरे पास, इसे मैं बीच में से कट कर लूंगी। दो लेयर्स में कर लूंगी। अगर आपका केक की थिकनेस ज्यादा है तो आप इसे तीन लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। तो हमारी ये दोनों लेयर हो गई हैं। इस पे मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ दोनों पे, जिससे केक हमारा सॉफ्ट और मीठा रहे। अच्छे से आप डाल दीजिए। ये पूरे में डाल दिया है मैंने और इस वाली लेयर पे भी मैं डाल दूंगी। अभी मैं टर्न टेबल लूंगी, इस पे सबसे पहले थोड़ी सी बीच में क्रीम लगाऊंगी, जिस पे मैं अपना केक को सेट करना है इस तरीके से, और केक को रख दूंगी और व्हिप्ड क्रीम लूंगी और इसको पूरे में मैं फैला दूंगी। अभी मैं ये वाली जो लेयर है इस पे भी व्हिप्ड क्रीम लगा दूंगी, इस लेयर को भी, इस लेयर पे भी लगा दूंगी व्हिप्ड क्रीम इस तरीके से, और इस लेयर को मैं अपने जो पहले से व्हिप्ड क्रीम लगा के लेयर लगाई है उस पे रख दूंगी। ये देखिए ये हो गया है। तरीके से अब मैं ये टॉप लेयर पे भी हल्का सा शुगर सिरप डाल दूंगी और इस तरीके से डाल देती हूँ मैं, और इसके ऊपर भी मैं क्रीम लगा दूंगी पूरे में। ये टॉप लेयर में अच्छी लगेगी क्रीम, ज्यादा सी क्रीम ही लीजिए और इसको पूरी तरीके से डेकोरेट कर दीजिए, इस तरीके से कवर कर दीजिए। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा पूरा केक जो है वो व्हिप्ड क्रीम से कवर हो चुका है। अब इसे मैं कम से कम 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख रही हूँ। ये एक्स्ट्रा मैं सारी इसकी निकाल देती हूँ और इसके बाद मैं जब ये 15 मिनट बाद ये सेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस पर अपनी ग्रेटेड चॉकलेट डालूंगी और उससे उसे इसे कवर करूँगी। तो मैं अब इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं, अभी मैं ये ग्रेटेड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, इससे इसको डेकोरेट करूंगी, पूरा कवर कर दूंगी इस तरीके से। ऊपर नीचे साइड से हर जगह से। तो हमने अपने केक को ग्रेटेड चॉकलेट से कवर कर दिया है, अभी मैं इसको उठा के अपने प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ इस तरीके से।
आराम से। और लास्ट में व्हिपिंग क्रीम से थोड़ी सी मैं हल्की सी इस पे डॉट रखूंगी। That's it। और ऊपर से मैं इसके स्ट्रॉबेरी रखूंगी कट करके, तो मैं इसे हाफ कट कर रही हूँ इस तरीके से, और मैं इसे ऐसे रख दूंगी इसके ऊपर। आप स्ट्रॉबेरी, चेरी कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से। ब्लैक फॉरेस्ट केक सर्व करने के लिए रेडी है। तो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इसे बनाइए और बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारी नई रेसिपीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।